सपनों का। ओहो, क्या प्रॉब्लम है? जब मुझे किसी की जरूरत होती है कभी किसी का अता पता ही नहीं होता, सब बाहर चले जाते हैं, पता नहीं क्या हो। और समीर है कि बिजी बिजी बिजी। बस क्यों बैठी पारो, अकेली अकेली क्या बड़बड़ा रही हो? काका जी, मैं वैसे ही परेशान हूँ, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इस घर में जिसको भी देखो परेशान है, चाहे कोई भी वजह हो। इस घर के लोगों ने परेशान होने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है क्या? मेरी परेशानी की वजह तो एक ही है और वो है समीर। मैं जानता हूँ, जब देखो तब बिजी, जब पूछो तब सिर्फ मीटिंग्स मीटिंग्स बस मीटिंग्स। पर तुम्हें समीर की मदद की क्यों जरूरत पड़ गई? वो तुम्हारा चहेता असिस्टेंट जो है। कौन? राजू। अरे वो ही तो गड़बड़ हो गई है ना काका जी। मैंने उसे लोकेशन फाइनल करने के लिए भेज दिया है, उसे जल्दी लौटने की कोई उम्मीद ही नहीं है। और ये मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो भी जानता है। जब सब कुछ जानते ही है तो कुछ करते क्यों नहीं है? क्या करूं? फॉर एग्जाम्पल मेरी मदद कीजिए। कैसे? मैं भला तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? न तो मैं सीरियल लिखना जानता हूँ, न तो मैं सीरियल डायरेक्ट करना जानता हूँ। हाँ हाँ, अगर एक्टिंग की बात करो तो और एक काम कर सकता हूँ। क्या? तुम्हारे साथ आ सकता हूँ अगर तुम मुझे रिक्वेस्ट करो तो। लिख के तो नहीं देनी पड़ेगी ना? नहीं, लिख के नहीं। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। चरस स्पर्श करो बेटी। मैं रिक्वेस्ट करती। अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भवा। क्या बात है, अब क्यों मेरा टाइम बिगाड़ रही हो? चलो ना। चलिए चलिए। राज, राज प्लीज मत जाओ, मेरी बात सुनो। राज, राज प्लीज, मेरी एक कड़े। सॉरी, मुझे पता आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, अब तो आदत डालनी पड़ेगी इंतजार करने की। क्या मतलब? हाँ, तुम तो वही टेलीविजन स्टार हो, कल फिल्म स्टार बनोगी, फिर सुपर स्टार बनोगी, और हमारा क्या है, हम तो यही हैं, यही रहेंगे। हो सकता है तुम मुझे निकाल भी दो कल। बस आपको मौका मिलना चाहिए। क्या घर से सोच कर आते हैं कि मेरी टांग खींचेंगे? टांग खींचू? क्या लेंगे आप? चाय चलेगी। रामू जरा चाय लाना। रामू बिना शक्कर कम। ए रोहिन, आते क्या खंड डाला? राजू, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। पर देखो ना, क्या बोल रहा था तुम्हारे बारे में। राजू, हमें तो आदत पड़ गई है ये। मुझे आदत नहीं है, छोड़ूंगा नहीं इसको। क्यों छोटी छोटी बातों पर अपना दिमाग खराब करती हूँ? क्या जरूरत थी टेलर पर इतना चिल्लाने की? आपको पता नहीं है भाभी, अगर क्लाइंट को वक्त से ऑर्डर नहीं पहुँचा तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में तुम अपनी सेहत खराब कर दो। बैठो। अगर दो दिन देर से सामान पहुँचता तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? मेरा नाम खराब हो जाता। बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये ऑर्डर मिला है। अगर वक्त पे ऑर्डर नहीं दिया तो मार्केट में जो मैंने पोजीशन बनाई है वो खराब हो जाती। चलो, जो हो गया सो हो गया, आगे से ध्यान रखना। अगर सेहत अच्छी रही तो काम चलता क्या, दौड़ता रहेगा। आपकी बात ठीक है भाभी, मेरा ही दिमाग खराब हो गया था। चलो तुम ये बिस्किट खा लो, तब तक मैं ये सेब काटती हूँ। नहीं नहीं भाभी प्लीज, मेरा मन नहीं करता। अरे क्या मन नहीं करता, चलो खाना ही पड़ेगा। प्लीज भाभी, मुझे फोर्स मत कीजिए। क्या हो क्या है तुम्हें, क्यों इतने परेशान लग रही हो? पता है, मैं जब टेलर पर चिल्ला रही थी तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। क्या लग रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंदर से एकदम खोखली हो गई हूँ, मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है। और फिर मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब ज्यादा परेशानी होती है तब ऐसा ही लगता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं टेलर पे इतना चिल्लाई क्यों थी। मैं जब बेहोश हो गई तो मैंने वो दो दिन पहले वाला सपना देखा। कौन सा सपना? वही जो मैंने आपको बताई थी, कि दादी माँ मेरे सपने में आई और मुझसे अपनी आत्मा की मुक्ति की बात कर रही थी। तुम भी कमाल करती हो, पता नहीं ये बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से घुस गई है। एक तो अभय की वजह से तुम यूं ही परेशान रहती हो, और आजकल पारो भाभी भी तुम्हारे पीछे पड़ गई है अभय से समझौता करने के लिए। इस सपने से पारो भाभी की बात का क्या वास्ता?
कुछ नहीं, ये बात तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में घुस गई है, इसलिए तुम्हें बार बार ऐसा लगता है कि दादी माँ तुम्हारे सपने में आकर अपनी आत्मा की मुक्ति मांग रही है। देखो बेमतलब मत सोचो, भूल जाओ सारी बातें, ठीक से खाओ पियो और आराम करो। जब बिल्कुल ठीक हो जाओ उसके बाद फैसला करना कि अभय के बारे में तुम क्या सोचती हो। आप ठीक कह रहे, लेकिन मैं अभय के बारे में क्या फैसला करूं? मैंने तो सोच लिया है कि सब खत्म हो गया है। देखो तुम किसी की बात मत मानो और किसी की बात पर ध्यान भी मत दो, अपने दिल और दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं कि दूसरे लोग अपनी राय दे, अपना फैसला तुम खुद करो। जी भाभी। अब तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाए, तुम्हें अपने एग्जीबिशन की तैयारी भी तो करनी है। अरे घबराओ मत, चाहो तो एग्जीबिशन थोड़ा पोस्टपोन कर दो। नहीं भाभी, एग्जीबिशन पोस्टपोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगी। राजू भैया, क्या है? यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या है ये अकेले अकेले डांस क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अरे माँ जी, राजू भैया पागल हो गया है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। क्या कर रहे हो? मैं पागल हो गया हूँ मतलब खुशी के मारे पागल हो गया हूँ। अच्छा, यानी खुशी में लोग नाचते हैं? महाराज, खुश मैं हूँ और तुम क्यों नाच रहे हो? क्यों खुश अकेले आप ही रह सकते हैं? तारी रारी रारी रा मतलब? तिरीरी मतलब आज मेरी जिंदगी की तमन्ना पूरी हो गई है। अच्छा, पारू भाभी ने तुम्हारा हाथ का पकाया हुआ खाना खा लिया? अरे नहीं, सोचो तो सही, मेरी जिंदगी की तमन्ना पूरी हो गई है। जिंदगी की तमन्ना पूरी हो गई है मतलब? हाँ सोचो, तब तक मैं डांस कर लेता। एक मारा डांस बाद में करना, पहले मुझे बताओ क्या हुआ। अच्छा अब बैठो। बोलो। माँ जी ने मुझे शादी की इजाजत दे दी है। हाँ हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो मेरी शादी खुद करा देगी। अच्छा कमाल है, इतना कुछ हो गया और मुझे तो पता ही नहीं चला, कैसे हुआ ये सब? ये एक बहुत लंबी कहानी है। हाँ नो प्रॉब्लम, मेरे पास बहुत टाइम है, खींच खींच कर सुनाओ। हुआ यूं कि गंगा पहले खाली बोतलें और डब्बे बेचा करती थी और खरीदा करती थी और डिब्बे खरीदते खरीदते उसने तुम्हें अपने डिब्बे में कैद कर लिया। हाँ। और निकल पली डब्बा बाटली वाले। हाँ लेकिन मैं भी कोई कम नहीं था, मैंने भी उसे अपने घर में कैद कर लिया। अच्छा। हाँ मतलब तुमने उसे पटा लिया? नहीं, उसने मुझे पटा लिया। हाँ? हाँ, और मैं पट भी गया। मैंने उसे रिद्धि सिद्धि की मालिश करने के लिए और देखभाल करवाने के लिए पंडा भाभी से मिलवा दिया, फिर वो बन गई मालिश वाली, मेरी गंगा मालिश वाली। कमाल है उस्ताद, हाँ तुम तो। अरे यार मैं देखो इतने टाइम से ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो वो, कुछ आइडिया बताओ ना मुझे भी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं भी अपनी जिंदगी की तमन्ना पूरी करना चाहता हूँ। यानी अब तुम पैंट में भी एम्ब्रॉयडरी करवाना चाहते हो? ओ महाराज, वो तो ऑर्डर मैंने कब का दे दिया, ये तो मैं जिंदगी की तमन्ना पूरी करना चाहता हूँ। जिंदगी की तमन्ना पूरी करना चाहते हो? हाँ, तुम सोचते रहो क्या होगी, तब तक मैं थोड़ा डांस कर लूँ। समझ गया, बताना कौन है वो, बताना कौन है? वो पारू भाभी की सीरियल में एक लड़की है शिवानी, वही सीरियल वाली। यानी सीरियल वाली? महाराज वो तुम्हारी वाली की तरह डब्बा बाटली वाली वो नहीं है, ये तो सीरियल वाली है, वो तो मामी
माँ जी क्या हुआ? कुछ नहीं, जब देखो तब अपनी मनमानी करते रहते हैं, किसी के नहीं सुनते। कौन? बाबूजी। और नहीं तो कौन। लेकिन बात क्या हुई? अब कहते हैं नए बंगले में पुराना फर्नीचर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पुराने फर्नीचर से उनकी यादें अटकी हुई हैं। ये क्या बात हुई, यादें तो इस बंगले में भी बसी हुई है, तो इसे क्यों छोड़ रहे हैं? इसकी कोई सफाई नहीं होगी उनके पास, बस अपनी इच्छा से चलते हैं। बहू तुम्हें पता है, जब हम पुराना घर छोड़ करके इस घर में रहने आए थे तो मैं पुराना सारा फर्नीचर यहाँ उठा लाई थी, तो मुझ पर कितना बरस पड़े थे। क्यों? कह रहे थे पुराने फर्नीचर से नए बंगले का शो बिगड़ जाएगा। तो अब कैसे बदल गए? क्योंकि अब मैंने कहा ना कि नए बंगले में नया फर्नीचर चाहिए, तो अब उनको पुराने फर्नीचर से प्यार हो गया। बाबूजी भी कमाल करते हैं। बहू तू ही उन्हें मना सकती है। मैं? हाँ, क्योंकि किसी को बातों में उलझा कर अपनी बात मनवा लेना तुम्हें खूब आता है। लेकिन बाबूजी मेरी बात मानेंगे? जरूर मानेंगे। माँ जी एक बात बताइए, बाबूजी को अचानक पुराने फर्नीचर के साथ इतना प्यार क्यों हो गया? वो तो पता नहीं, लेकिन आजकल वो बहुत भावुक हो गए हैं, आदमी के जरूरतों से जुड़े हुए बर्ताव से बहुत दुखी है। क्या मतलब? मतलब तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन कह रहे थे कि आदमी सिर्फ जरूरतों से प्यार करता है, आज जिस चीज की जरूरत है तो वो उसे प्यार करेगा, कल को किसी नई चीज की जरूरत के एवज में इसे फेंक देगा। लेकिन माँ जी नई चीजों के आने के लिए पुरानों का हटना भी तो जरूरी है। ये बात तो उन्हें पसंद नहीं। लेकिन हम नई और पुरानी चीजों को एक साथ रखेंगे तो घर कबाड़ खाना हो जाएगा। बस यही बात तो उन्हें समझानी है। और बहू तुमसे ज्यादा अच्छी तरह ये बात उन्हें कौन समझा सकता है? आपने कुछ नहीं कहा उनसे? कहा था ना, मैंने कहा कि अगर नए बंगले में आप पुराना फर्नीचर ले गए तो मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। बताइए ना क्या कहा उन्होंने? कहने लगे कोई बात नहीं, तुम उस घर में मत आना, मैं पुराने फर्नीचर के साथ नई बीवी लाकर नया घर बसाऊंगा। क्या ऐसा कहा बाबूजी ने? लेकिन वो मजाक कर रहे थे। बाबूजी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। तो तुम उनसे बात करोगी ना? हाँ अब तो बात करनी ही पड़ेगी, अगर नई सासू मैं इस घर में आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ वो तो। अच्छा, जैसा ससुर ऐसी बहू। बाबूजी बदमाश, बदमाश। तो शिवानी तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी कि नहीं? हाँ। कैसी लगी? बहुत अच्छी, और मेरा रोल तो बहुत ही अच्छा लगा। या इट्स अ लाइफ टाइम्स रोल फॉर एनी एक्ट्रेस। या थैंक यू। तो हम अब तुम्हारे चार्जेस की बात कर लें। व्हाट मतलब तुम्हारे साथ पैसों की बात नहीं हुई है ना? लेकिन राजू ने तो मुझे 35,000 पर एपिसोड प्रॉमिस किया है। व्हाट? क्यों उसने आपको नहीं बताया? नहीं तो? लेकिन शिवानी मार्केट में तुम्हारा ये रेट तो नहीं चल रहा है। तो क्या हुआ, हम नए मार्केट रेट्स क्रिएट करेंगे। देखो शिवानी ये मेरी पहली सीरियल है, मुझे और भी सीरियलें बनानी है, तो जाहिर है कि मेरा बजट कम है, तो मैंने तुम्हारे लिए भी कम सोचा था। नो नो पारो जी, और आपको बजट की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और अब से तो मैं इतना ही चार्ज लूंगी। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें इतने पैसे देगा? क्यों आप नहीं दे रही? नहीं शिवानी, आई रियली कांट अफोर्ड इट। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 15,000 दे सकती हूँ। अब तुम्हें कहना है कि मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब आप मुझे तब फोन कीजिए जब आप तय की हुई कीमत मुझे दे पाएंगी। शिवानी यू वॉकिंग आउट ऑन मी ऑन द लास्ट मोमेंट? आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई चारा नहीं। दिस इज नॉट डन शिवानी, जब सब कुछ तय हो चुका है तब तुम मुझे डिच करना चाहती हो? किसने किसको डिच किया पारो जी, जरा सोचिए। देखो मैं तुम्हें लाइफ टाइम का रोल दे रही हूँ और तुम जा रही हो, इतनी बेवकूफ मत बनो। अगर आप मुझे लाइफ टाइम का रोल दे रही हैं तो मैं आपको लाइफ टाइम का परफॉर्मेंस दूंगी, अब आप ही सोचिए आपको क्या करना है। शिवानी शिवानी डोंट डू दिस, देखो तुम गलत कर रही हो। और आपने जो किया वो ठीक किया। मैंने क्या किया? पहले 35,000 का प्रॉमिस किया और फिर मुकर गई। प्रॉमिस मैंने नहीं किया था, राजू ने किया था। राजू आप ही का प्रोडक्शन कंट्रोलर है। अरे लेकिन वो बेवकूफ है। लेकिन है तो आपका। प्लीज शिवानी डोंट डू दिस, देखो तुम एक औरत हो, दूसरी औरत को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करो प्लीज। ऑन द कंडीशंस कि आप तय की हुई रकम मुझे देंगी। तो मदद कहाँ हुई? देखिए पारो जी आपका सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, जाहिर है अच्छा टीआरपी मिलेगा और आप बहुत कमाएंगी,
मैं कहा उन कमाए रुपए में से कुछ मांग रही हूँ। Are you sure कि ये सीरियल हिट हो ही जाएगी? 200%। फिर चाहे आप मुझे ले या ना ले। नहीं, ये मेरी पहली सीरियल है, मैं किसी को नाराज करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ओके, बाय बाय, सी यू। राजू का बच्चा, बाबूजी। और उसकी बेटा, बैठो। बाबूजी, ये बुक्स है इंटीरियर डिजाइनिंग की, माँ जी ने कुछ डिजाइन्स पसंद की है, मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार देख ले, तो नए बंगले के लिए बनवाया जाए। नया फर्नीचर बनवाने की क्या जरूरत है? क्यों बाबूजी, आप इतने शौक से इतना बड़ा और आधुनिक बंगला बनवा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम उसे सजाएंगे भी आधुनिक फर्नीचर से। जब पुराना फर्नीचर है तो नए की क्या जरूरत है, मैं यही कह रहा हूँ। वैसे तो पुराना बंगला भी है, फिर नए की क्या जरूरत है? वो बंगला इस बंगले से बड़ा है। तो फिर हमें सजाने दीजिए ना बाबूजी। बाबूजी, हर औरत अपने हाथों से अपने घर को सजाना चाहती है। घर बनवाना मर्द का काम है, लेकिन उसे सजाना और संवारना औरत का। तो ये पुराना फर्नीचर नए घर में ले जाकर वहाँ सजा दो। लेकिन आप पुराने फर्नीचर को नए घर में ले जाने के लिए इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरी जड़ें हमेशा मेरे साथ रहे। इस पुराने फर्नीचर के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। ऐसे तो हर चीज के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई होंगी, इस बंगले के साथ भी हमारी कई यादें जुड़ी हुई होंगी, फिर भी हम जा रहे हैं नए बंगले में। नए को जगह देने के लिए पुराने को जाना ही पड़ता है, और कई सुविधाओं के अनुसार हमें पूरे घर में कई तब्दीलियां करनी जरूरी है जो हम नए घर में कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है बाबूजी कि अब हमें बच्चों की जड़ें मजबूत करने का सामान जुटाना है, उनकी यादों की दुनिया बनानी है। और बाबूजी, इस घर का सारा फर्नीचर जिससे आपकी हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, उसका हम एक म्यूजियम बनाएंगे नए घर में। तुम्हारे कहने का मतलब है कि डंपिंग रूम में डंप कर दोगी? नहीं बाबूजी, उसे एक अलग कमरे में सजाया जाएगा जहां आप जब चाहे अपनी यादों की दुनिया में जा सकते हैं। है ना अच्छा आइडिया? ऐसे आइडिया सिर्फ तुम्हें ही आते हैं रश्मि, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। थैंक यू बाबूजी। तो अब मैं चलूं? रश्मि, एक बात बताओ जी। मेरे पास तुम्हें अनसुया ने भेजा था ना? नहीं बाबूजी। झूठ मत बोलना, सच बताओ जी। मानना पड़ेगा अनसुया को भी। क्यों? मुझे मनाने के लिए सही आदमी चुना इसलिए। बाबूजी।